Good morning guys, 9:15 and we are back. चलिए मॉर्निंग से ही मॉर्निंग कैंडल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज। फैजल खान सर, हेलो हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो दोनों ही बियरिश मोड पे आ सकते हैं, सो पहले से ही अपन बियरिश मोड पे आज रहने वाले हैं, ठीक है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप देखते हैं क्या अच्छे से मूव कर रहा है। HDFC बैंक पे क्या हाल है? HDFC लो पे ही है, ठीक है। बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है यहाँ से ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुनिश कीरे जी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ मेंबर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। थोड़ा सा शांत रहेंगे मार्केट में, अब मजे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में अच्छी मोमेंटम क्रिएट होंगे। बैंक निफ्टी कल इसी जोन के आसपास आके क्लोजिंग यहाँ से ऊपर जाके आज निकला है, ठीक है। तो अच्छे से एक मोमेंटम मिल सकती है डाउन साइड पे। निफ्टी में भी सेम यही है, ठीक है। निफ्टी में भी यही मोमेंटम मिल सकता है हमें। बैंक निफ्टी भी सेम फॉलो कर रहा है पैटर्न, सेम पैटर्न बैंक निफ्टी पे भी फॉलो हो रही है। एक बढ़िया मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी है। ये लो जी, यहाँ से ही रिटर्न हो रहा है, मार्केट मेरे लेवल से ही रिटर्न होता है क्या यार। एवरीडे मॉर्निंग में साला मेरा ही ट्रेड एग्जीक्यूट होके अलग ही हो रहा है, कुछ अलग ही चलता है अपना। कंटिन्यू थर्ड डे ये है। मार्केट को नीचे जाना चाहिए, उसके बजाय ये मेरी अगेंस्ट जा रही है। HDFC भी फॉल कर गया, सब कुछ कर गया, जब मेरे हाथ में नहीं आ रही है यार। शायद ये अपन को स्टॉप लॉस ही खींचना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये निकलना तो चाहिए, स्पीड से निकलना चाहिए, उसके बजाय ये अगेंस्ट जा रही है अभी तक। निफ्टी एक कंप्लीटली कंटिन्यू थर्ड डे। 46,700 के बिलो में मार्केट को अच्छी मोमेंटम होनी चाहिए थी, बट ये नहीं हो पाया। ये आज अच्छे से लेगा अभी फिर तो। कंप्लीट अगेंस्ट मूव ले लिया मार्केट ने। जब मॉर्निंग में ना स्टॉप लॉस देते ना पूरा दिन खराब रहता है, मजा ही नहीं आता फिर। यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि नीचे निकलेगा मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम जरूर आएगी और वो मोमेंटम को हम कैप्चर करेंगे, बट वो कैप्चर करने के बजाय मोमेंटम ने अगेंस्ट खींच लिया हमें। चलो ये तो छोड़ो, अभी ये गलत चीज है। ब्लेम करने से अच्छा है पे ध्यान देते हैं। ये 800 के नियरेस्ट है ना, तो ये अपने आस पे नहीं आएगा अच्छी प्राइस पे, इसको इग्नोर करते हैं एंड नया ट्रेड ढूंढते हैं। चलिए बैंक निफ्टी ने तो घुमाया, बहुत बढ़िया वाला एक छड़ी घुमा दी है बैंक निफ्टी ने। तो अभी बैंक निफ्टी के पता है अभी हम चलते हैं कॉल साइड पे। 800 का ब्रेक हो गया है। 800 का ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पर सस्टेन होगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, निफ्टी का भी यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आया है। ठीक है, दोनों में अच्छी मोमेंटम पॉसिबल बन जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी पोजीशन हमारे लिए क्रिएट बन जाएगी। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कोई पोजिशन क्रिएट करनी है तो आ जाओ, चलो एक अच्छी पोजिशन हमें मिल सकती है। अबाउट वो रहेगी 48,600 की कॉल ऑप्शन में, और कौन सी रहेगी निफ्टी, ये 600 की कॉल ऑप्शन में 330 के ऊपर में। चलिए, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम 330 के आसपास हमारी एंट्री बनी थी। ठीक है, हमारा टारगेट 360 था, टारगेट टच करके ही मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम मिल गई है। एक यस गाइस, मज़ा आया तो एक बार लाइक मार देना प्लीज़। 364 365 के नियरेस्ट जाके आया है, मज़ा आ गया मॉर्निंग में ही। एक अच्छी मोमेंटम जो चाहिए थी वो मिल चुकी है। ठीक है, जैसल खाया वो कवर अप हो गया, एंड नाउ वेट करते हैं एक अच्छे मूव के लिए। नेक्स्ट मोमेंटम भी यहाँ से ही बहुत बढ़िया बन जाएगा। चलिए, और निकल रहा है। ठीक है, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, ट्रेल कर रहे हैं एसएल को, तो वो और ट्रेल कर सकते हैं। लंबा जाएगा इस बार, लंबा और लंबा ठोक देंगे इसको। ठीक है, इस बार लंबा जाएगा मार्केट। चलिए 370 तक चले गए हैं। बट ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, मतलब लंबा खींच नहीं पाएगा मार्केट, नहीं खींच पाएगा। ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट तक ठोक दिया था मार्केट ने, 379 हाई लगा दिया। ठीक है, और कुछ शेयर कर सकते हो आप लोग, अपना स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर सकते हो। निफ्टी स्टिल अभी भी होल्ड है, ठीक है, निफ्टी में भी अच्छी मोमेंटम यहाँ से पॉसिबल बन सकती है, निफ्टी में अच्छी मूव मिल सकती है हमें। नहीं यार निफ्टी यहाँ से ना नहीं मानेगा, निफ्टी नहीं, निफ्टी में अच्छी मोमेंटम नहीं मिल जाए, नहीं मिलेगी, निफ्टी में अच्छी मोमेंटम नहीं मिलेगी। चलिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए स्कैल्प में यहाँ पे रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो रेडी रखिए 22,750 की पुट, निफ्टी 22,700 की 50 की पुट है, ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है ट्रेड, और कुछ लंबा नहीं है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, ये प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है, स्कैल्प मिल सकता है 80 के अबाव में, लंबा नहीं होगा, स्कैल्प ही होगा, सो रेडी रहिए स्कैल्प मूव के लिए। निफ्टी में देखिए यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है एंड 80 के अबाव में एक मोमेंटम यहाँ से जनरेट हो सकता है, 80 के ऊपर, ठीक है। चलिए 80 से निकल चुका है, 80, 84, कम ऑन, एसएल रहेगा 72 के आसपास का, ठीक है, टारगेट 90 के आसपास का है, एसएल 72 के नीचे जाए, 72 के आसपास, सॉरी 70 के आसपास ही रहेगा, 10 पॉइंट का टारगेट 1/1 का रहेगा। चलिए ये भी शायद घुमा के लेके जाएगा अपने एसएल पे ही, चलिए ये ना 700 को भी फेस कर सकती है। चलिए बैंक निफ्टी तो टोटली बुल मोड में आ चुका है, टोटली बुलिश मोड में बैंक निफ्टी है। ये निफ्टी थोड़ा सा रुक गया है, निफ्टी यहाँ पे पुट साइड का अपने को ट्रैप दे सकता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मिला था, ठीक है, 75 के आसपास है। चलिए ये ना एग्जिट करते हैं 74 के नियरेस्ट, 75 है ना, ये मैंने 74 के आसपास एग्जिट, यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट कर गया हूँ 6 पॉइंट का लॉस लेके, ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं मानेगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा, रुकना नहीं है, एग्जिट करना है, ठीक है, वरना एसएल खाएंगे। एसएल गया, जस्ट अभी बोल ही रहा था कि एसएल खा भी गया। खा ही गया, क्योंकि ये देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मिल रहा था ट्रेड, बट वो नहीं यहाँ से एग्जीक्यूट हो पाया। कोई नहीं, सेकंड ट्रेड बनेगा जरूर से। निफ्टी में अभी चल रहा है तो निफ्टी में ही अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। इन द मनी में ही लेंगे, ठीक है, 92 के अबाव में। वेट मैं क्लियर करूंगा उसके बाद, 92 में एंट्री नहीं है, वेट करेंगे, क्योंकि ये स्पाइक भी मिला है ना, तो 96 एंट्री बन सकती है स्पाइक में, बट ये स्पाइक सस्टेन नहीं हो पाया था तो एंट्री यहाँ से नहीं बनेगी। वेट करना, मैं क्लियर कट बताऊंगा। मजा आ रहा है ना। आज मार्केट में देखो अच्छे मोमेंटम मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे मिलेंगे आज, क्योंकि 2x डबल एक्सपायरी है, डबल धमाका है आज। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सो एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है उसका वो एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाता है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, आपको वही रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, वेट करते हैं, अपना ट्रेड भी मिल जाएगा, एक और ट्रेड मिलेगा अभी। निकलने का टाइम मिल जाए तब निकल जाने का मार्केट से, ऐसा वो वहाँ पे आज होल्ड करने लायक नहीं बनेगा। लाइक सुभाष मधुकर, थैंक यू लाइक के, थैंक यू। वन मोर टाइम, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही आज अच्छे मूड में है, तो अच्छे ही ट्रेड मिलने वाले हैं। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट है वो थोड़ा और स्पेसिफिक करना चाहता हूँ और एक क्लियर करके अच्छे से चार्ट पे यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना चेंजेस ला देता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। ओके, 900 के पास पहुँच चुका है और हमारा इनिशियली रेजिस्टेंस है यहाँ पे 960। ये रेजिस्टेंस बनेगा बनेगा और बनेगा। ये कल भी इसी जोन के आसपास से ही मार्केट में अप एंड डाउन खेल रहे थे मार्केट, तो ये जोन भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और आज मार्केट जहाँ से लौटा है वो यानी कि ये वाला है यहाँ पे, और एंड देन ये। ठीक है, देखो क्लियर कट हो गया अपना मार्केट पे। ठीक है, व्यू क्या है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी ना दोनों थोड़े खेलने वाले हैं। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन पे मूवमेंटम देखोगे तो कुछ ज़्यादा मूव नहीं हो रहे हैं। निफ्टी मूव निकालने के लिए रेडी है। एक अच्छा यहाँ से चार्ट मुझे दिख रहा है, कौन सा है मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ। चलिए यहाँ पे ना बैंक निफ्टी और निफ्टी तो दोनों ही आज फायरिंग पोजीशंस बनाने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी फायरिंग मोड में आ चुका है, बट ये यहाँ से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। सो आप लोग भी यहाँ से पकड़ना चाहते हो तो अभी के लिए इग्नोर कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा देखो यार चार्ट, यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो मार्केट में अभी कोई मोमेंटम यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा घुमाएगा। जैसे ही यहाँ पे कहीं पे आएगा तो आपको एक ट्रैप देगा और एक बड़ा कैंडल बना देगा। हाँ, कंप्लीटली यहाँ से रिस्क लेके जो मार्केट निकल गया तो ये अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, बट ऊपर जाएंगे तो इनिशियली अपना लेवल तो आएगा ही आएगा 49,000। ये लेवल्स पे तो हमेशा हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को ही मिलेगा। दैट्स वाई अभी यहाँ से हम गए और वहाँ पे ट्रैप हो गए तो बात खत्म। इससे अच्छा थोड़ी देर अभी वेट करेंगे। एक्सपायरी है, 0 to 0 ट्रेड्स बहुत सारे मिलने वाले हैं आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक्सपायरी है तो 0 to 0 से भी ज्यादा बड़े ट्रेड्स आज आएंगे, ठीक है। चलिए आज मॉर्निंग में अच्छी मोमेंटम के बाद अभी क्या करना है सबको पता है, शांति से वेट करेंगे। अच्छे मूव के लिए वापस से वेट करेंगे, जैसे ही अच्छा मूव मिलेगा देन वापस से रीएंटर करेंगे। एंड जो लोग भी इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। एंड जो लोग भी ज्वाइन हुए नए तो प्लीज एक बार गुड मॉर्निंग लिख दीजिए गाइस, गुड मॉर्निंग एक बार लिख दीजिए सब लोग। कम ऑन गाइस एक बार लाइक मार दो यार जल्दी से आप लोग। नहीं, ये ट्रैप है, समझ गए ना आप लोग। अभी मार्केट में थोड़ी सी साइडवेज मूव होगी, जो अगर मार्केट को निकलना ही होता ना तो वो ये कंटिन्यूअस ऐसे कैंडल नहीं बनाता। यहाँ पे सेलिंग भी उतनी आ रही है और बाइंग भी उतनी हो रही है। अगर मार्केट को निकलना ही है तो वो कम्प्लीटली ये ब्रेक करके कब का निकल गया होता, ये कैंडल में ही निकल गया होता, ये थर्ड कैंडल में ही मार्केट निकल गया होता। बट ये नहीं निकलना चाह रहा है तो यहाँ पे जबरदस्ती का ट्रेड नहीं उठाएंगे, उसको वेट कराएंगे एंड देन वहीं से निकलेंगे। ठीक है, निफ्टी के ऊपर एक अच्छा खासा पीई का मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे देखोगे तो अच्छी मोमेंटम आ रही है। $22,750 की पुट ऑप्शन। जो हमने सोचा था वही लेवल्स के पास वापस से आ रहा है 80 के अबाव में। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया था अपन, बट अब एक अच्छी मोमेंटम वापस से क्रिएट हो रही है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, निफ्टी भी। और भी तेज निफ्टी और भी तेज दौड़ेगा, निफ्टी और भी तेज दौड़ेगा, दौड़ेगा रे दौड़ेगा, निफ्टी और भी तेज दौड़ेगा। निफ्टी डे लो के आसपास आ चुका है 680। ये देखो क्या कैंडल बना है। हाँ, ये देख लो वापस से। हाँ, बैंक निफ्टी देखो, हो गए ट्रैप। यस लिख दो तो फिर नहीं करना है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ अच्छी ट्रेड एक मिल गई। ठीक है, मॉर्निंग में अपन ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, बट यहाँ से कम्प्लीटली हमने एक अच्छी ट्रेड बुक कर ली है। तो उसके बाद जो स्टॉप लॉस को रिकवर हो गया है प्लस प्रॉफिट पे है, तो वेट करो यार अच्छी मूव का। अब यहाँ से अच्छी मोमेंटम कब स्टार्ट होगी, 768 के नीचे। अभी यहाँ से मार्केट को कम्प्लीटली 100 पॉइंट नीचे आएगा, उसके बाद एक अच्छी मोमेंटम होगी। ऊपर की साइड में क्या मोमेंटम रहेगी, यहाँ से 49,000 के ऊपर में, यहाँ से 130 पॉइंट। यानी कि क्लियरली मैं आपको शेयर कर दूं कि मार्केट में 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे, ये दोनों में जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही यहाँ पे अच्छी मोमेंटम बनेगी। लिख के ले लो यार आप लोग। ठीक है, उससे बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रैप होना है। ये 250 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट रहा तो हमें ट्रैप ही होना है। हाँ, जब तक कोई अच्छी कैंडल नहीं बनती है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए एक अच्छी मोमेंटम बन सकती थी, बट यहाँ पे जैसे ही ऊपर की साइड में क्लोज होती तो मैं यहाँ पे क्लियर एंट्री करता, रिस्क के साथ एंट्री कर सकता था, बट वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट ने कंप्लीटली रिवर्स दिखाया, तो हमने वही कोई ठेका तो लेके नहीं रखा है ना कि मार्केट में यही करूंगा वही करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके चलिए वापस से ये पुट साइड पे ही मार्केट ने कम्प्लीटली दिखाया है। ठीक है, पुट साइड पे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 700 के अब नीचे डाउन में, वही यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था और वही हुआ। एक बूम करता मोमेंटम दे दिया, बूम वाली मोमेंटम। चलिए ये वापस 80 के ऊपर जो है एंट्री बना है तो प्लीज बुक कर लीजिएगा, लंबा नहीं उठा है। हमारा ट्रेड लंबा जो हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट से वो तो एक अच्छी ट्रेड मिल ही गई है। सो अभी देखते हैं फिर। क्या लगता है अभी मार्केट में को अच्छी मोमेंटम फिर से क्रिएट हो सकती है? क्या गाइस आज आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मार्केट देख के मजा आ रहा है? मेरे मालिक आज देखो यही मार्केट है आज का, तो ठीक है सिंपल है मार्केट में और कुछ नहीं है। तो शेयर करो अपने व्यूज को। निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी अपना लो तोड़ने के लिए रेडी है, 800 के नीचे आ रहे हैं। आज को कोई ट्रेड होल्ड करने लायक भी नहीं है, जहां होल्ड करने जाओगे आज ट्रैप मार जाए। एंड जो लोग ज्वाइन है प्लीज एक बार लाइक कर दो यार। चलिए सब लोग एक बार लाइक मार दो यार जल्दी से। अभी तो देखो वेट कर रहा है अच्छे ट्रेड के लिए। टाटा केमिकल एक बहुत ही स्पीड से दौड़ रहा है। टाटा केमिकल्स में देख रहा हूँ अभी बहुत ही स्पीड से गया है। देखते हैं क्या होता है टाटा केमिकल्स पे। ब्रेकआउट करके गया है तो एक अच्छा मूव जरूर मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी भी डाउन आ चुका है, निफ्टी भी सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। चलिए सपोर्ट लेवल पे आ चुका है तो यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेड बनेगा। अभी निफ्टी के ऊपर एक प्रॉपर ट्रेड बन सकता है 85 के अबाव में, ठीक है। ऐसा रहेगा 70 के आसपास का, यहाँ से ब्लास्ट मोमेंटम बन सकती है। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। निफ्टी यहाँ पे है ना, फिर मुझसे चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे, इसमें दोनों ऐड करने हैं। चलो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है अपना 800 के नीचे जाने को रेडी है। मैं ये लेवल्स है वो क्लियर कर लेता हूँ। ये दोनों ही अभी अपने लेवल, क्रूशल लेवल पर खड़ा है, यहाँ से मोमेंटम जरूर से बनने वाले हैं ये दोनों में, ठीक है। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी यहाँ पे देखो डी हाई से ही रिटर्न हुआ है, डी हाई से ही रिटर्न होता है ना ये वाले। ठीक है, वेट करते हैं अच्छे मूव के लिए निफ्टी। निफ्टी चलो सपोर्ट से, प्रॉपर सपोर्ट से ये निकल चुका है वापस। सपोर्ट लेवल से वापस निकल चुका है। चलिए यहाँ पे टाटा केमिकल्स पे भी एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स पे एक बहुत बढ़िया बाइंग यहाँ पे चल रही है। टाटा केमिकल्स पे एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली है 1162 के ब्रेकआउट के बाद, वहां पे एक बहुत ही बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। हमने भी एक अच्छी बाइंग ली थी भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ऑलमोस्ट वहां पे 1100 के प्लस प्रॉफिट पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1100 प्लस के प्रॉफिट पे। चलिए और भी यहाँ पे स्पीड बना देगा मार्केट। मुझको तूने तो हर चीज़ दे दी, कमॉन गाइस एक बार लाइक मार दो। टाटा केमिकल्स जो अपन ने शेयर किया था वो अच्छे प्रॉफिट पे क्लोज किया है और यहाँ पे निफ्टी भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बूम करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में ही। वन मोर टाइम चलिए, यहाँ पे हैमर कैंडल का पावर देखने को मिल रहा है। निफ्टी अपने लेवल्स पे नहीं आया, चलो इग्नोर करो इसको। अभी 22,650 कॉल ऑप्शन वो जबरदस्त मूव के साथ ये चल रहा है। कमॉन गाइस एक बार आप लोग शेयर कर दो अपना व्यू, क्या लगता है मार्केट में आज क्या बन सकता है। और चलिए ये टाटा केमिकल्स बहुत ही स्पीड पकड़ता हुआ अभी वापस से ये 45 से 47.50 तक चला गया है और निफ्टी भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ 92 के अबाव में एक निफ्टी की एंट्री बन सकती है जो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी प्लान करके रखी थी। ठीक है, चलिए ये मज़ा आने वाला है अभी मार्केट में, थोड़ा मज़ा बनेगा अभी क्योंकि आज देखो मार्केट में अभी अच्छे मोमेंटम आज तक अभी देखने को मिले हैं। ठीक है, अब तक तो अच्छे मोमेंटम देखने को मिले बट यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे। मजा आया, मजा आया, ऐसे ना मजा आया। ओके 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 मज़ा आ रहा है ना। अभी देखो मार्केट में और भी मज़े आने वाले हैं, क्योंकि आज मार्केट अच्छी है, दोनों साइड से आज एक्सपायरी है, ठीक है, तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। गाइज प्लीज एक बार लाइक मार देना सब लोग, या आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज एक बार लाइक तो कर ही दो, ठीक है। ये कुछ गलत हो रहा है मार्केट में। अभी देखो कंप्लीटली जो मैं बता रहा था वही हुआ ना, जब मार्केट में जो बाइंग आनी चाहिए थी तब नहीं आई, और यहाँ पे अभी सिर्फ अप एंड डाउन खेल खेल रहा है। मैंने बताया था कि जैसे मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी तो हम यहाँ पे सेलिंग बना देंगे, सेलिंग की पोजिशंस क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे 800 के नीचे मैं तो कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक ना ट्रैप बिछा के रखा हुआ है। अगर आप लोग समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ट्रैप है मार्केट में, जब भी इस जोन के आसपास आएगा तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी जरूर से, ठीक है। क्या लगता है गाइज आज मार्केट में अच्छी मोमेंटम हमें मिलेगी या फिर वेट ही करवाएगा मार्केट? अभी 768 के नीचे ही यहाँ से मैं सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ और ऊपर बाइंग भी अभी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मार्केट में देखोगे तो ये सब रेजिस्टेंस है वो अभी वीक हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट ने इसको संभाल के रखा है। अभी यहाँ से रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकती है और एक बड़ी मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हो सकती है। ठीक है, निफ्टी में भी सेम वही लेवल्स को फॉलो किया जा रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ से। ठीक है, What do you think guys? क्या लगता है मार्केट में कौन सी पोजीशंस आज अच्छी वर्क कर सकती है, कॉल साइड की या फिर पुट साइड पे? और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज शेयर करो। चलिए, थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ने मूड चेंज किया है। अच्छा लगेगा अगर एकदम से मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आए तो मज़ा आएगा देखने को। आज टाटा बहुत ही अच्छे से उड़ सकता है टाटा, क्योंकि एक न्यूज़ आ रही है टाटा लॉन्चेस फर्स्ट मेड इन इंडिया मिलिट्री स्टेट सैटेलाइट विथ स्पेसएक्स फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशंस। स्पेसएक्स के साथ टाटा ने फर्स्ट लॉन्च की। देखो अभी तो मार्केट साइडवेज हो चुका है, ठीक है, 900 के ऊपर निकलता है तो कुछ मोमेंटम पॉसिबल बनने वाले थे, बट अभी तो वो भी मुझे यहाँ से नहीं दिख रहे। चलो सबको इग्नोर करके अपने को तो अभी वेट करना ही पड़ेगा अच्छे दिन के लिए, अच्छे मूव के लिए। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे मोमेंटम आएंगे, वो सोच सोच ये आज का दिन खत्म कब हो जाएगा। गाइस तब तक आप लोग एक बार लाइक मार देना, क्योंकि अभी देखो चैनल पे बहुत ज़रूरी है आपकी एक लाइक आपकी बहुत ज़रूरी है आज। एंड अभी ना मैं कोई अभी ना ट्रेड शेयर करने के लायक मार्केट है नहीं, तो फिर क्या ही करेंगे अभी। गुड मॉर्निंग चाय मिल्क, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? टाटा केमिकल्स बहुत ही अच्छे चल रहा है, अभी भी स्टिल होल्ड किया है 1170 के नियरेस्ट। टाटा केमिकल्स थोड़ा होल्ड हुआ है। यहाँ पे अभी तो ये कॉल साइड पे भी शांत हो चुका है मार्केट। बैंक निफ्टी भी शांत है, कोई मोमेंटम नहीं है। बैंक निफ्टी के ऊपर कोई मोमेंटम ही नहीं है। सभी के सभी में मार्केट अभी शांत हो गए तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे? अपन को भी शांत ही रहना है, ठीक है। मोमेंटम बनेगा तो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और हम भी वहाँ पे ट्रेड कर ही लेंगे। देन यहाँ पे अभी शांत बैठना बहुत ज़रूरी है। मार्केट से मेरा मूड हटके कुछ और करने का मूड हो रहा है, यानी कि अभी मोमेंटम तो है नहीं तो फिर क्या ही कर लेंगे। इससे अच्छा वेट करेंगे, नहीं मिलेगा तो निकल जाएंगे। बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से मार्केट को रीड करना स्टार्ट कर लोगे तो अच्छी मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। और वेट करना सीख लो, मार्केट आपको एवरी टाइम अच्छे वेट करोगे तो अच्छे मोमेंटम ज़रूर देखेगा। अभी देखो, मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे स्टॉप लॉस खाए थे, आपको सबको पता है कि 680 के नीचे मैं यहाँ से पोजिशंस क्रिएट करने वाला है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद सेकेंड ट्रेड इसी जोन के आसपास 800 के ऊपर मैंने वहाँ पर लिया था, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल गया वहाँ पर, तो वो स्टॉप लॉस भी वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कवर हो गया प्लस प्रॉफिट मिल गया। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात हो गई मेरे लिए। फिर क्या करना है? अभी वेट करना है, ये जोन के जैसे ही कट होगा तो वहाँ पे मैं एंट्री बना सकता हूँ वापस, तब एंट्री करेंगे। अभी नहीं है तो फिर क्या ज़बरदस्ती का एंट्री बनाना। आज क्या होगा मार्केट में? आज देखो, आज ये ना ये अभी लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, ठीक है। कंसोलिडेशन तो ये कंप्लीटली कंसोलिडेशन ही करने वाली है। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी आप दोनों ही बोल लो, दोनों ही कंसोलिडेशन रेंज में आ चुके हैं। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक मोमेंटम नहीं बनेगा। हाँ, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन मारेगा, 49,000 टच करेगा जरूर आज मार्केट, ठीक है। एंड देन वापस कंप्लीटली 10 से 15 मिनट के बीच में ही मार्केट 48,000 के आसपास तक आ जाएगा। चलिए, ये 900 के आसपास डे हाई को टच किया, कल के डे हाई को टच किया, ठीक है। ये जो एक्सपेक्ट किया था वो ही हुआ है फिर, तो अभी तो ये वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये ऊपर जाएगा अभी, उसके बाद एंड ऑफ द डे में मार्केट कंप्लीटली फॉल कर सकता है। जहां से स्टार्ट किया था वहां तक मार्केट आने का चांस क्रिएट होगा, यहाँ तक, ठीक है, ये जोन के आसपास तक। कल भी सेम यही हुआ था। मार्केट कल देखो, कल ये टाइम के आसपास ही मार्केट यहाँ पे डे हाई के आसपास था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 10:35 है, तो 10:35 के नियरेस्ट, ये 10:40 के आसपास, देखो ये सेम आज भी यहीं पे ही है। तो अभी थोड़ी देर में ये कम्प्लीटली नीचे भी आ सकता है एंड यहाँ से कम्प्लीट ये ऊपर की साइड में निकलना स्टार्ट किया, तो एक अच्छे मोमेंटम हमें देने लगेगा। बट कहाँ से? 49,000 के अबाव में, ठीक है। अगर मार्केट को कल वाला ट्रेंड नहीं फॉलो करना होता तो मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली एकदम ऊपर निकल जाता जब ये वाली कैंडल आई थी तब। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स भी एक्टिवेटेड है, तो मार्केट ऐसे सेल देगी नहीं आपको, ध्यान रहे, ठीक है। अवेयरनेस ज़्यादा रहनी चाहिए मार्केट के ऊपर, आपकी अवेयरनेस होनी ही चाहिए कि मार्केट में क्या कर सकते हैं और कब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देख लो, सेम कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है जो कल हो गई थी, ये टाइम पे ही थी, ठीक है। 10:40 पे ही ये कैंडल थी, सेम कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है अभी। कल भी यहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जरूर आएगी यहाँ पे हाई लगाने के लिए, ठीक है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट यही ट्रेंड फॉलो करे, बट ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जोन में कल बहुत सेलिंग आई थी और उसी के बाद मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में ही चला गया था, और जहाँ से ओपनिंग की थी वहीं पे ही चला गया कि यहाँ पे देखो ये डे लो के आसपास तक चला गया था। यहाँ पे फिर मार्केट में थोड़ी बाइंग दिखाई, आज गैप अप ओपनिंग हुआ और फिर सेलिंग आई, फिर वहाँ पर बाइंग और अभी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। एंड देन वहीं से ही वापस से सेलिंग बढ़ सकती है। तो हमारा तो व्यू सेम ही है कि मार्केट में सेलिंग आएगी तो एक स्पीड से सेलिंग आएगी और वहीं पे ही मैं सेल करने के लिए जाऊंगा। बाइंग के लिए तो मेरा व्यू बनेगा ही नहीं। अभी कॉल साइड पे मेरा व्यू कुछ भी नहीं है। कॉल साइड पे मैं ट्रैप होने का चांस ही है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ये 49,000 भी मिलेगा और उसके ऊपर जाएंगे तो वापस से कोई एक स्पाइक मिलेगा हमें, और ये स्पाइक में हमें ट्रैप मिलेगा। क्योंकि बाइंग में आज मेरा मूड ही नहीं है, बाइंग में मैं कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ, इससे अच्छा मैं निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर लूँ। निफ्टी आप देखो साइडवेज है टोटल, इससे अच्छा तो निफ्टी में ट्रेड करना है बैंक निफ्टी से अच्छा। तो निफ्टी जैसे ब्रेक करेगा 730 तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम जरूर बनेगा, ठीक है। टारगेट निकल के आएगा 22,760, जो कि उसके नियरेस्ट है, लाइफ टाइम हाई के नियरेस्ट है, वहीं तक बन के आएगा। यही फॉलो हो सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर भी। कोई क्वेरीज हो तो शेयर करो। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट पे, ठीक है। आपकी थिंकिंग क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के ऊपर। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों सेम ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये दोनों अपने रेंज बना के बैठ गए हैं। नो डाउट कि बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, बट ये कोई फास्ट मोमेंटम देगा तो और मजा आएगा। यही छह मोमेंटम मार्केट का आज। जस्ट वेट करो, वॉच करो बस, और कुछ नहीं। मार्केट को सिर्फ वॉच करते रहो, अच्छे मोमेंटम मिलेंगे तो आपको लंबा एक ट्रेड भी मिल जाएगा। लंबा ट्रेड आज मिलेगा जरूर, बट टाइम लगाएगा। कल भी 12:30 के आसपास से मार्केट में चेंजेस हुआ था। 12:30 के आसपास यहाँ से देखो, ये 12:30 के बाद मार्केट में बहुत ही बढ़िया सेलिंग देखने को मिली थी। अभी तक मार्केट में कोई सेलिंग नहीं आई है, बाइंग भी नहीं आई है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, एक अच्छी मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है ना सब लोगों को? टाटा केमिकल्स भी जहां था वहीं पे आ चुका है। टाटा केमिकल्स पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी, वो भी अभी शांत हो गया है। ठीक है, मार्केट में तो कोई इतनी ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। ठीक है, अभी तो वेट करेंगे अच्छे दिन के लिए। जस्ट मजाक कर रहे हो, अच्छे मूव के लिए। ओके, क्या लगता है गाइस, आज मार्केट में कोई बढ़िया मोमेंटम मिलेगा हमें? और कोई अच्छा वाला मूव यहाँ से जो हम कैप्चर कर सके, ऐसा मूव आप सबके दिमाग में, किसी के दिमाग में आ रही हो तो मुझे प्लीज शेयर करो यार। नहीं सर जी, बैंक निफ्टी पे कोई गुड मॉर्निंग वर्षा जी, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी का अभी देखो कुछ मोमेंटम है नहीं, ठीक है, बट निफ्टी अच्छा मूव, सॉरी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही साइडवेज जैसे ही मूव ले रहे, सो इस पे अभी कोई यहाँ से मूड नहीं बनेगा कि ये बाइंग करे वो करे, वेट एंड वॉच, ठीक है। जी निफ्टी अभी डाउन साइड में मूव के लिए रेडी है। गाइस एक बार लाइक मार दो यार, लाइक अकाउंट आप लोगों ने अभी तक बढ़ाया नहीं है मेरे, कम ऑन गाइस एक बार लाइक तो कर दो। मॉर्निंग में ही देखो अभी तक कोई अच्छे मूव, अभी तक तो अच्छे मोमेंटम मिल चुके हैं, ठीक है, अभी तो साइडवेज है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही बेनिफिट लेना है आपको, तो वेट करके लो यार क्योंकि जब जब भी आप वहाँ पे एंट्री के लिए सोचोगे तो आप फंस जाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच, ओके वेट एंड वॉच करो, अच्छे मोमेंटम जरूर आएंगे, ठीक है। जस्ट वे साइडवेज मार्केट है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो शांति से वेट करो, अच्छे मोमेंटम ज़रूर आएंगे, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। वैसे ही आज अच्छा मूव ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अब तो ये साइडवेज इतना घूम गया है ना कि सारे अपने जो वो क्या बोलते हैं आप, अपने जो सारे के सारे होते हैं ना ट्रेड, मतलब जो ट्रेड के हमारे प्रीमियम है वो एकदम से डाउन कर दिए गए हैं। चलिए कुछ नया स्ट्रेटेजीज है वो क्रिएट करते हैं अपने लिए। आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, मेरी नई स्ट्रेटेजीज है वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप जाइए जल्दी हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए आपके डीमेट अकाउंट का स्क्रीनशॉट। वी विल ऐड इन आवर प्रीमियम, देयर वी शेयर आवर स्ट्रेटेजीज एंड ऑल दैट, ओके। थोड़ा सा ना मैं स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा हूँ हमारी सेंसिबल पे, वहाँ पे मैंने वर्चुअल ट्रेड दो उठाए, एक सेलिंग का एक बाइंग का है। तो वहाँ पे बास्केट ऑर्डर लगा है, तो वहाँ पे कंफर्म 100% कंफर्म प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं एवरी एक्सपायरी पे ये ट्रेड करता हूँ। लास्ट एक्सपायरी पे मुझे वहाँ पे कन्फर्म ली, एक साइड में वहाँ पे सेलिंग और बाइंग थी मेरी, ठीक है, दोनों ही आउट ऑफ मनी थी, बट वहाँ पे मुझे करीबन 2,500 का प्रॉफिट हुआ था, दोनों ही आउट ऑफ मनी ऑप्शन पे। सो इस बार मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। मैंने डीप इन द मनी बाई वो सेल किया है एंड एट द मनी है उसका स्ट्राइक प्राइस मैंने बाइंग किया है। थोड़ा सा बाइंग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी तो। चलिए यहाँ पे बाइंग बहुत ही तेज देखने को मिल रहा है अभी। हाँ जी, दोनों लॉस पे चल सकते हैं क्योंकि सेलिंग है तो सेलिंग में कुछ भी बन सकता है। सो केयरफुल रहना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नज़र हटी दुर्घटना घटी वैसा माहौल भी बन सकता है। हमारे पोर्टफोलियो पे 700 माइनस दिख रहा है अभी। वर्चुअल में ऐड किया है बिकॉज मुझे वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी मैं टेस्ट कर रहा था, एक डीप इन द मनी बाइंग और डीप इन द मनी सेलिंग। क्या ये मुझे दोनों प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द डे में पता चलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे में जो डीप इन द मनी है वो ऑटोमेटिकली कुछ प्रीमियम है वो लूज कर देगी अभी का, ठीक है। एंड जो बाकी रहेगा प्रीमियम, ठीक है, वो जो अगर मार्केट यहाँ से कम्प्लीटली बाउंसर देती है, बाउंस बैक भी देती है तो जो मेरा इन द मनी ऑप्शन एट द सॉरी आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाइंग है वो भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, बट आउट ऑफ मनी ऑप्शन पे मेरी क्वांटिटी हाई रहेगी, वहाँ पे क्वांटिटी है मेरी 600 यानी कि 40 लॉट है। एंड आउट ऑफ मनी जो इन द मनी है, डीप इन द मनी जो सेलिंग की गई है मेरी, वहाँ पे मेरी लॉट है सिर्फ और सिर्फ 10 लॉट। अगर सेलिंग यहाँ से अगर अगेंस्ट भी गया मार्केट, ठीक है, मेरे अगेंस्ट भी गया ना मार्केट, तो अभी मुझे दोनों साइड पे प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ओके हाँ, लॉस भी उतने इसमें रह सकता है, इसका हैज पोजीशंस क्रिएट बोलते हैं। हैज पोजीशन में ऐसा ही होता है। हैज पोजीशन में ऐसा ही रहता है। बैंक निफ्टी अपने हाई पे आ रहा है। बट यहाँ से एंट्री कुछ अच्छा नहीं, जी मजा आया ना, मजा आ रहा है ना। टाटा केमिकल्स ने भी अपना मूड चेंज कर लिया है, वहाँ पे से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। टाटा पे 1150 पे आ चुका है, 1160 से स्टार्ट हुआ, 1150 पे आ चुका है। एंड हमारा वहाँ पे नेट लॉस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया। 49,000 के कॉल ऑप्शन में, 49,100 के कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे हमने 600 क्वान्टिटी बाइंग करके रखी है अगेंस्ट दी कॉल बाइंग। कॉल भी बाइंग है, सॉरी कॉल सेल है, और वहाँ पे 48,500 का कॉल है वो सेल है। और गाइस क्या माहौल है मार्केट का। देखो आज मेरा माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है अब तक, तो आप लोग बताओ। ओके जस्ट वेट। हाँ निफ्टी लो पे खड़ा है अभी, ठीक है। दो बार यहाँ से लो से लेके निकल चुका था, अभी यहाँ से मोमेंटम क्रिएट हो सकता है निफ्टी के ऊपर। वी आर रेडी टू टेक वन शॉट इन द निफ्टी, इन निफ्टी वी आर क्लियरली रेडी फॉर अ वन शॉट। 20 निफ्टी यहां से क्लियर शॉट के लिए रेडी है। एक बढ़िया शॉट मिल सकता है निफ्टी के ऊपर, ठीक है। क्या रेंज रहेगी? 80 के आसपास की। थर्ड टाइम यहाँ पे नियरेस्ट आया है, 80 के अबाव में मिल सकता है, 80 के ऊपर में मिल सकता है, सॉरी अबाव, ठीक है। मोमेंटम फास्ट हो सकती है। सो वी आर रेडी टू टेक वन शॉट इन द निफ्टी। ओके चलिए, निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, डाउन साइड पे अच्छा मूव मिल सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर हालचाल बहुत खराब है, बैंक निफ्टी को थोड़ा इग्नोर किया जाए तो ये अच्छा रहेगा। निफ्टी डाउन साइड के लिए तैयार है, ठीक है। मज़ा आएगा। नीचे की साइड में एक अच्छी डाउन साइड की मोमेंटम बन सकती है निफ्टी में, ठीक है। 80 के अबाव में, 80 के अबाव में ही, उससे पहले एंट्री के लिए मत कोई जाना। फर्स्ट जाएंगे अबाव में ही एंट्री बननी चाहिए। वेट एंड वॉच, जब तक प्रॉपर मूव नहीं मिलता है तब तक वेट कर लेना। क्या बात है, आज तो सेलिंग में भी लॉस दिखा रहा है। आने दो मार्केट को, एक बार आने दो अपने लेवल पे, आने दो। उसके बाद देखो फायरिंग पोजीशंस क्रिएट बनेगी, क्योंकि निफ्टी ने थर्ड टाइम अपना डे लो है वो एक बार तो ब्रेक किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बार तो ब्रेक कर दिया, बट जैसे ही क्लोजिंग आएगी उसके बाद देखो स्पीड से दौड़ देगा, एकदम से स्पीड पकड़ेगा निफ्टी डाउन साइड पे। उसके सामने बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रही है, बैंक निफ्टी अगेंस्ट जा रहा है। 850 का जो है एवरी टाइम यहीं से ही कैंडल ऊपर गए थे, वही कैंडल फॉलो हो रहे, फॉलो अप मिल रहा है अभी। निफ्टी निकल चुका है अपने हाई की और निकल रहा है। ये प्रीमियम कितनी स्पीड से डीके हो रहा है वो तो चेक करो एक बार, प्रीमियम भी बहुत स्पीड से डाउन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों ही एक साथ इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो चुका है निफ्टी के ऊपर। स्पीड देना चाहिए मार्केट, यहाँ से स्पीड पकड़ना चाहिए निफ्टी, निफ्टी में स्पीड होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर के लिए स्पीड आएगी तो और मजा आएगा, डे लो के नीचे मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी। जो कंप्लीट ये अच्छी खासी कैंडल क्लोज हुई है उसको ही फॉलो कर सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही। बैंक निफ्टी के लिए 840 अभी एक यहाँ पे सपोर्ट है, 840 850, ठीक है। ये सपोर्ट्स के पास जब भी आ रहा है बैंक निफ्टी वहीं से ही वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, छोटा सपोर्ट है, ठीक है। फटाक से ब्रेक भी हो सकता है और उसके नीचे जाके यहीं पे वापस से सपोर्ट लेके उसके ऊपर निकल सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही काम करेगा ये, ओके। निफ्टी आ रही है, स्पीड पकड़ सकती है निफ्टी। चलिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों ने ही धोखा दे दिया, दोनों ही अपने लेवल्स की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। अपना लेवल वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं तो ट्रिगर लगाया तब तक वो निकल गया था। 80 के अबाव में ही मैं बाइंग करता, क्योंकि लो के नीचे जब निकलता है तभी वहाँ पे मोमेंटम मिलती है। अभी भी वो साइडवेज ही जाने का मूड में है, मार्केट दोनों ही साइडवेज जाने के मूड में ही है। तो अपने को भी वहाँ पे कोई ये ट्रेड करके फंसने का नहीं है, वेट करेंगे, मिलेगा तो लेने का, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम कॉल साइड की ओर। और गाइस क्या आप लोग बताओ मुझे, शेयर करो अपने व्यूज को भी, ठीक है। अभी देखो कुछ है नहीं मार्केट पे, तो मैं भी शांत ही बैठा हुआ हूँ, वॉच कर रहा हूँ सिर्फ अभी तो, क्योंकि आज मार्केट में जो अच्छे प्रॉफिट मुझे दिखने चाहिए वो तो अभी तक हुए ही नहीं है, कुछ अच्छे प्रॉफिट दिखे ही नहीं है अभी तक। और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी एक सेलिंग एक बाइंग, वहां पे तो बहुत बड़ा लॉस चल रहा है अभी, 6000 के आसपास का वहां पे लॉस चल रहा है, स्ट्रेटेजी गलत चल गई। नहीं ये परफेक्ट चल सकती है, बट मैंने एक गलती की है वहां पे। मुझे बास्केट ऑर्डर कौन सा वाला लेना चाहिए, मुझे बास्केट ऑर्डर में डालने चाहिए निफ्टी, सॉरी आउट ऑफ मनी ऑप्शन है वही, ठीक है, उसको सेल करो। आउट ऑफ मनी ऑप्शन है ना, या फिर एट द मनी ऑप्शन है, उसको मैं सेल कर सकता हूँ, वो अच्छे प्रीमियम पे है, तो उसको मैं सेल करूंगा। ठीक है चलिए, वहाँ पे मैं करीबन 600 क्वांटिटी के आसपास एक सेल वाली पोजीशंस क्रिएट करेंगे, एंड एक वहाँ पे मैं बाइंग पोजीशंस भी क्रिएट करूँगा, जो कि मेरी एट द मनी के एकदम नियरेस्ट ही होगी। वो मैं बाइंग करूँगा 450 के आसपास। $49,000 मार्जिन बहुत ज्यादा है, बट मैं पहले करता था तब तो ऐसे मार्जिन नहीं था इतना ज्यादा। बहुत मार्जिन ज्यादा है भाई। नो, ये स्ट्रेटेजी मेरी वर्क नहीं करेगी, और ये स्ट्रेटेजी से मुझे अभी नहीं करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी लॉस पे ही होगी, जो मैं सोच रहा था वो स्ट्रेटेजी अभी वर्क नहीं करने वाली। वन मोर टाइम लो के आसपास मार्केट आ रही है, बट अभी मैं नहीं चाहूँगा, मैं इसको इग्नोर करना ही पसंद करने वाला हूँ। अभी निफ्टी को जो मोमेंटम देगा वो मैं यहाँ से कंसिडर करूँगा, बट अभी सॉरी बैंक निफ्टी का मोमेंटम मैं कंसिडर करूँगा, बट निफ्टी का तो अभी कोई मोमेंटम अपने हाथ से मैं नहीं लेने वाले। क्योंकि ये ट्रैप दे रहा है तो ट्रैप को अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैप में ही फंसाने वाला है। सो वेट एंड वॉच। ओके गाइस, देखो साइडवेज मार्केट है, वेट एंड वॉच वाली रणनीति यूज करेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं अपने को। यहाँ पे वेट करेंगे, वॉच करेंगे जब तक मार्केट में हमें परफेक्ट मूव नहीं मिलती है। ओके वेट एंड वॉच वाली रणनीति यूज करेंगे, लंबा कुछ है नहीं मार्केट में आज, तो जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए वापस से लो पे क्रिएट हो चुका है बैंक निफ्टी। अभी इस बार मैं नहीं जाने वाला, मेरा हाथ दोनों खड़े हुए, इस बार नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड मुझे यहाँ से ट्रैप दिख रहा है। हाँ जी, ये जाएगा जरूर डाउन में, क्योंकि प्राइस एक्शन आप देखोगे तो ये आपके पता चल जाएगा, डाउन रिटच एंड देन यहाँ पे नीचे, ये सपोर्ट्स के नीचे जाएगा, स्पीड पकड़ेगा। रिटेस्ट करके अभी नीचे आ रहा है, यहाँ से स्पीड तो पकड़ना चाहिए, बट अभी इंटरेस्टेड मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रैप भी मिल सकता है भाई। और मुझे आज ना सेफ साइड पे ही ट्रेड होनी चाहिए मेरी, ना कि ट्रैप पे जाना है, मुझे सेफ साइड पे ही आज वर्क करना है। दैट्स वाई मैं आज अभी ना शांति से वेट करने वाला हूँ। मुझे मिलेगा तो लेने का है, नहीं मिला तो कोई नहीं यार, मैं कहाँ ये वो करना है, ट्रेड करना ही है, नहीं मिला तो नहीं करेंगे। कल छुट्टी है मार्केट में, सो जाएंगे कल फिर से। ठीक है ना, ठीक है। आप लोगों ने अब तक ना लाइक नहीं किया है स्ट्रीम को, गाइस एक बार लाइक तो कर दो जल्दी से। चलिए वापस से सपोर्ट क्रिएट किया गया है निफ्टी में, इसीलिए मैं आज बाहर हूँ बैंक निफ्टी से। अभी चलिए सपोर्ट मार दिया है बैंक निफ्टी ने, अच्छा वाला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। $3100 का प्रॉफिट है, आराम करेंगे। हाँ जी, यही है ना आज चाय मिलकर, वही तो आज मार्केट है, यही तो करना है। थकाने वाला मार्केट है, तो थकाने वाला मार्केट में हमें नहीं थकना है, मार्केट को थकने दो ना। हमारी क्या गलती है, उनकी गलती है, वो अच्छे से ट्रेड नहीं दे रहे। हम क्यों वहां पे अपनी टांग बीच में घुसा है, उनको देना है तो देंगे, नहीं देना है तो बाहर में जाए। अपने को कौन सी चीज है कि मैं ट्रेड करूंगा ही करूंगा, अपने को कोई ऐसा मूड ही नहीं है ट्रेड करने का, समझ गए ना, समझ गए। अच्छा है, चलो बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स पे आ रहा है। आ रहा है पहले वहां पे लॉस कवर होके 4000 पे आ चुका है, 7000 से 4000 पे पहुंच चुके हैं। देखो गाइस, मोमेंटम है नहीं, फिर वहां पे अपन को कोई जबरदस्ती का ट्रेड नहीं बनाने है, ठीक है। मुझे तो ये पसंद ही नहीं है जबरदस्ती वाले ट्रेड, मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ ये टाइप के मोमेंटम को, ठीक है। अच्छे मूव मिलने वाले हैं, अच्छे मूव के लिए थोड़ा सा तो सब्र करना ही पड़ेगा। और कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। चलिए गाइस, मोमेंटम तो देखो अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, 700 के ऊपर निकल रहा है, यहाँ से कॉल साइड पे अच्छी मोमेंटम बना रहा है, बट अभी देखो हमारे पास तो कोई है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अभी यहाँ से एग्जिट करेंगे, कोई ट्रेड तो बन नहीं रही है, तो मैं यहाँ से अभी कोई भी ट्रेड के लिए नहीं जाने वाला अभी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच ओनली, जब कुछ होगा तो मैं अपने दोनों ग्रुप पे शेयर करूंगा, तब तक के लिए आप लोग भी यहाँ पे वॉच करते रहिए ट्रेड में, ठीक है। ये ट्रेड भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं बन पा रही है, तो इसको भी अभी इग्नोर करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोई कॉल साइड पे अच्छी मोमेंटम, 22,750 सॉरी 650 की कॉल साइड की मूवमेंट हम यहाँ से ऐड कर लेते कि कॉल साइड पे अच्छी मूव बन जाएगी, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, बट अभी तो यहाँ पे भी कोई मूव नहीं है, तो वेट, ओके। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं है, मार्केट टोटली वहीं पे ही घूमता रहा और साइडवेज में कोई मोमेंटम नहीं देने वाला है। क्या लगता है गाइस, आज क्या मोमेंटम बनेगा हमारे लिए? कोई अच्छा मूव? अभी तो कोई मोमेंटम है नहीं कि प्रॉपर वहां पे हम ट्रेड करेंगे और वो हमें देगा ही देगा प्रॉफिट वाला मूव। क्या लगता है मिलेगा आज? तो मेरा तो मूड ही खराब हो गया है। जब यहाँ पे जब भी मैं प्लान कर रहा हूँ मार्केट पे, वहीं पे ही मार्केट घुमा रहा है। अब वो प्लान ना फेल हो रहा है, दैट्स व्हाई अभी मेरा मूड ही नहीं है मार्केट पे कोई ट्रेड करूंगा और वहां पे मैं ये करूंगा वो करूंगा। जस्ट जहां है वहीं पे घूम रहा है। तो ऐसे मार्केट से तो अपन को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि नहीं। सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे मार्केट से सावधान रहे। तो फिर आपका व्यू क्या रहेगा गाइस, मुझे शेयर करो। अभी मेरा व्यू तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीयरिश साइड पे ही है। अगर मार्केट यहाँ से एक बीयरिश मोमेंटम स्टार्ट करता है तो मेरे लिए सबसे अच्छा मूव रहेगा। अभी 12:30 के आसपास से मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, 12:30 के आसपास से। ठीक है, ये बड़े कैंडल कल भी ऐसे ही मोमेंटम पे आया था, आज भी वही मोमेंटम क्रिएट हो सकती है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, आज मार्केट में कोई अच्छी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मूवमेंटम मिलेगी? बिकॉज अभी तक तो मुझे कोई परफेक्ट मूव दिख नहीं रहा यहाँ से अभी। तो आप लोगों का क्या व्यू बनता है? अब तक मार्केट सिर्फ घुमा रहा है और घुमा ही रहेगा और घुमाता ही रहेगा, मुझे यही लग रहा है आज पे। क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम होनी होती है तो मार्केट एकदम से बढ़िया मोमेंटम करने लगता है, बट आज कोई भी मोमेंटम उसको देना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अभी साइडवेज ही रहेगा जब तक ये कुछ बायर्स एक्टिवेटेड नहीं होते। बायर्स एक्टिवेट होंगे तभी कुछ यहाँ से बढ़िया मोमेंटम निकलेगा, उससे पहले तो आज सिर्फ और सिर्फ साइडवेज का ही सोचो। नो मूव, जस्ट साइडवेज है तो उसको साइडवेज की तरह ही लेंगे। अभी देखो यहाँ पे ना बीच में कहीं पे भी कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचो भी मत, शांति से बैठे रहो, वॉच करते रहो मार्केट को। ये कुछ नहीं है, आज नहीं मिलेगा तो नहीं लेने का, यही सिर्फ अपना एक वो रहेगा। ठीक है, मूवमेंट नहीं है तो फिर जबरदस्ती के पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे, वेट करेंगे, अच्छे मूव मिलेंगे जरूर से। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छे मोमेंटम जरूरी है, ना कि कोई बीच में कहीं पे भी ट्रेन पकड़ के चढ़ जाए, ऐसे में गिरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं ना। अभी मार्केट को थोड़ा सा जाने दो, जहाँ भी जा रहा है उसको अपनी मर्जी से वर्क करने दो, बस उसको जहाँ भी जाना है जाने दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 2 बजे तक जहाँ भी जाना है जाने दो, 2 बजे के बाद अपन पकड़ेंगे इसको, इसकी चोटली पकड़ लेंगे। नो मोमेंटम जस्ट साइडवेज है, ओके, वेट एंड वॉच वाली रणनीति यूज करो, अदरवाइज आज फंस जाएंगे आप, टोटली फंस हो गए। वेट करते करते ना पूरा दिमाग हिल चुका है। अभी 6 घंटे तक मार्केट में ऐसे सामने बैठना ना बहुत भारी पड़ता है। क्या लगता है आपको आज गाइस, मुझे एक अच्छी मूव मिलेगी? मूव नहीं हो रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मार्केट में मूवमेंट हम होंगे तो ही ट्रेड होती है, अदरवाइज आज जबरदस्ती का ट्रेड लेके अपने को फंसने का नहीं है। बस मार्केट को वॉच करो, नहीं मिलेगा तो नहीं निकले, नहीं लेंगे और क्या ही होगा। क्या लगता है गाइस, आज मार्केट में मोमेंटम बनेगा या फिर हमें ऐसे ही यहाँ पे बैठ के ना मार्केट को सिर्फ ऐसे देखना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लग रहा आज मार्केट में कि कोई अच्छा मूव मुझे यहाँ से देखने को भी मिले अभी। कि जो अगर मार्केट को मोमेंटम होना होता तो ये अच्छे से मिल जाता है। थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है अभी, 12:30 होने को आया है ना, इसी वजह से डाउन साइड देखने को मिल रहा है। चलिए गाइस, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ ज्वाइन होता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ी देर स्ट्रीम पे रहिएगा। मैं थोड़ी देर में 10 मिनट में वापस आऊँगा, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच ज्वाइन के लिए, और ज्वाइन रहिएगा। the limits of what we thought was possible, pushing the boundaries of human potential, where technology can enhance us beyond our wildest constant evolution, where the line between man and machine begins to blur. A new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. To the age of cybernetics. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. To the age of cybernetics. Push the limits of what we thought was possible, pushing the boundaries of human potential, where technology can enhance us beyond our wildest dreams. push the limits of what we thought was possible. Pushing the boundaries of human potential. Where technology can enhance us beyond our wildest constant evolution, where the line between man and machine begins to blur. A new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible. To the age of cybernetics. Hello guys, welcome back. मोमेंटम इतने फास्ट ही नहीं है, कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ वहीं पे घूम रहा है। नहीं, मोमेंटम है नहीं तो फिर क्या ही कर लेंगे। टोटली साइडवेज मार्केट। सो गया ये जहां, सो गया ये मार्केट। क्या लगता है गाइस कोई मोमेंटम आएगा? क्योंकि टोटली साइडवेज मार्केट गया है और मैं भी यहाँ पे ना बोर हो चुका हूँ अभी। तो क्या कर रहे हो अभी, क्लोज कर रहे क्या? मैं क्लोज करने के बारे में सोच रहा हूँ। आज मार्केट में कोई ऐसे परफेक्ट मोमेंटम अभी तक आई ही नहीं है। अरे अभी तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे डन करने वाला हूँ थोड़ी देर में। 5-10 मिनट है लास्ट टाइम अभी थोड़ी, ठीक है, फिर एंड करेंगे आज मार्केट को भी। अच्छा ये क्या गलत, ये अच्छे से उठाया मार्केट ने, एकदम से पंप करने लगा है अभी। क्या लगता है ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा? नहीं कर सकता है आज। नो मोमेंटम, जस्ट साइडवेज मूव है, अभी कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे बैठ के अभी मज़ा नहीं आएगा। तो अपन थोड़ी देर के बाद ना स्ट्रिंग को हैंड करेंगे। टोटली साइडवेज मार्केट है ना। मैं यहाँ पे ना स्ट्रीम को अभी डन कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो अभी यहाँ पे बैठ के भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मार्केट में भी कोई मोमेंटम नहीं है एंड आज कोई अभी मोमेंटम का चांस भी क्रिएट नहीं है। तो मैं यहाँ पे ही स्ट्रीम को डन करता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रीम एंड हो जाएगी, ठीक है। 6 या 7 मिनट के बाद 4 घंटे का स्ट्रीम होने ही वाला है, तो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी 4 घंटे के बाद। तो आप लोग भी लेफ्ट ले सकते हो। Thank you so much guys for joining us. If you want to trade us with me, then please open your Demat account link through our link. We will add after first trade. Okay. Thank you so much. Bye bye.